हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल हैप्पीनेस ऑलवेज में। ये है मॉर्निंग का टाइम भी नहीं है, साढ़े नौ बजे का टाइम है और हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। तो फिर काफ़ी देर मैंने वेट भी किया, लाइट नहीं आई, तो फिर मैं बर्तन नीचे ही ले आई थी, हैंडपम्प पे यहीं पे धुलने लगी थी। और दोनों भाइयों में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि मैं हैंडपम्प चलाऊँगा। और जब हम ऊपर की मंजिल नहीं थी, नीचे ही रहते थे, तो फिर मैं इसी हैंडपम्प पे बर्तन धुलती थी और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पुराने दिन याद आ गए हैं। और यहीं पे बर्तन अच्छा लगता है, खुले पानी में बर्तन धुलना। और बच्चों का भी कंपटीशन चल रहा है आपस में, मैं चलाऊँगा, आप थक गए भैया, मैं चलाऊँगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हो। और वैसे लाइट जाती नहीं है यहाँ, बट यही है कभी कभी चली भी जाती है तो सीधे शाम को ही आई थी आज लाइट। और जब जाती है तो ऐसे ही जाती है, क्योंकि तार वगैरह का कुछ काम चल रहा है शायद, इस वजह से शाम को ही लाइट आती है। फिर मैंने कहा चलो जब अपने पास हैंडपम्प है तो यूज़ किया जाए, क्यों ऐसे ही रहा जाए। तो सब काम कर लिया था हमने, यहीं पर धुल गए थे हमारे बर्तन और हमने पानी भी यहीं पर चूल्हा जला के, लकड़ियाँ लगा के, और इस पे पानी गर्म कर लिया था। और मैंने कहा चलो आज सारा काम नीचे ही कर लिया जाए। और इसके बाद यहीं पे बच्चों को मैंने ब्रश वगैरह भी करवा दिया था और कर रहे हैं बच्चे। ये छोटा वाला ना मेरा, वो ना मुझे देख के करता है ब्रश, जैसे मैं इधर मुंह करूँगी तो वो भी इधर करूँगी तो वो भी इधर ही। बहुत हंसी आती इसे देख के, वो मेरे सामने मेरे जैसे करता है। और देखो कितने प्यार से, हाथ पानी नहीं आता है हाथों में और पानी पी रहा है, मतलब फूला कर रहा था। अच्छा लगता है वैसे हैंडपम्प पे, है ना। और आप लोगों क्या है, क्या हैंडपम्प बताना किस किस किया है। और यहीं पे फिर मैंने बच्चों को नहला दिया था और चूल्हे पे आग मैंने नहीं जलाई थी, मुझे नहीं आती, ससुर जी ने जलाई थी। तो बच्चों को यहीं पे नहला के, और मैंने बच्चों को यहीं पे ही, लॉन है ना हमारा आगे, वहीं पे बच्चों को कपड़े भी पहना दिए थे, क्योंकि धूप भी थी और धूप में तो रहना आजकल अच्छा लगता ही है। तो फिर मैं भी ना आ गई थी बाथरूम में, हमारा है नीचे भी है टॉयलेट, बाथरूम है नीचे भी। और देखो बेटे ने वीडियो बनाई है ना, देखो हाथ उंगलियाँ उसके आगे आ रही हैं, ढंग से नहीं बनाए। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं वे सीख जाएंगे धीरे धीरे। जो आप देखोगे ना, खुद में ना पानी बना था और आज जो लाइट लोग के लिए हम खेलेंगे। और फिर मैंने कपड़े भी धुल दिए थे, क्योंकि जब नहा गए थे तो कपड़े भी धुल गए थे मेरे, काम खत्म हो गया था। देखो जिस पेड़ पे ना छत्ता लगा था वो पेड़ कट गया, काट दिया, क्योंकि आंवले का पेड़ था कोई, वो तो लगा नहीं था इसमें, फल फ्रूट कुछ लग नहीं रहा था। फिर इसमें छत्ते भी लग रहे थे तो इस वजह से काट दिया। आपको दिखाती हूँ, बोरिंग दिखाती हूँ, हैं। अरे वहाँ नहीं जाऊँ, देखो ये इंजन और ये देखो पानी, ये जा रहा है खेतों में पानी। ये पूरा ये खेत अभी उधर लगा है, फिर लास्ट में इधर लगाएंगे। मन कर रहा है यहीं पे नहा ले बट ऐसा हो नहीं सकता। पूरे 10-10 बीघा के प्लॉट हैं, 10 बीघा के सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। और आपसे मैं मिल रही हूँ, अब हम आ गए थे रूम से, आ गए थे मॉर्निंग में, और वहीं मैंने खाना नाश्ता वगैरह वहीं से बना के ले आई थी। तो यहाँ पे नाश्ता कर लिया था,
और उसके बाद देखा ही आप लोगों ने, लाइट नहीं थी तो सारा काम मैंने नीचे ही कर लिया था। आग जला दी थी चूल्हे पे, ससुर जी ने जलाई थी, मुझे तो नहीं आती। और वहीं से नहा धो के कपड़े धो के सब आ गए थे, झाड़ू झूड़ू तो हो गया था। तो अभी बैठी हूँ मैं, अभी टाइम है 12:30 हो रहे हैं अभी, 12:20 का टाइम हो गया है। तो अब बनाऊँगी खाना, और बेटा कर रहा है पढ़ाई। क्या कर रहे हो बाबू? पढ़ाई। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। देखो जब से लैपटॉप लाया ना तो थोड़ा ये हो गया है कि इसे दे देती हूँ तो ये इससे काम कर लेता, नहीं तो फ़ोन पे ही देना पड़ता था। और आंखें भी थोड़ा ख़राब हो रही थी और बिज़ी भी रहता था फ़ोन। तो अब बनाती हूँ खाना। और देखा ही आप लोगों ने कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग, जो मैंने अपना एनिवर्सरी व्लॉग डाला था वो आप लोगों को कैसा लगा बताना। पता है लैपटॉप के साथ मिला है एक ये हेडफोन और वायरलेस माउस मिला है और जेल मिला है जो लैपटॉप साफ करने के लिए, तीन चीज़ें मिली है। और ये भी मिला है कीबोर्ड प्रोटेक्शन, ये मतलब उसमें ये चार चीज़ मिली है। और बहुत खुशी में क्योंकि गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों ने भी कहा, हाँ आप सब लोगों ने भी कहा कि गिफ्ट अच्छा है। हाँ सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सबके लिए बहुत यूज़फुल है, मेरे लिए ही नहीं, मेरा तो वाइटी का काम जो होगा होगा। पता है यहाँ ना ट्राईपॉड नहीं, हाथ थक जाते पकड़े पकड़े कैमरा। तो अब खाना बनाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। खाना बना के फिर वही हो जाता है, खाना खाओ, क्लासेस बच्चों की स्टार्टेड, बस वही रूटीन चलता रहता है। तो आज मैंने इसलिए सूट कर लिया सब कुछ, क्योंकि मैंने नीचे सब कुछ किया था। अपने पुराने दिन याद आ गए, क्योंकि जब हम नीचे रहते थे तो वहीं हैंडपम्प पे बर्तन भी धुलती थी, पानी था अंदर बट मुझे ना अच्छा लगता था, हैंडपम्प पे बर्तन धुलती थी, कपड़े धुलती थी। और पुराने दिन याद आ गए, फिर से अपनी पुरानी लाइफ जी ली, तो बहुत अच्छा लगा। और वो दिखाया मैंने आपको, पानी बाहर चल रहा है तो देखो कितनी आवाज़ आती है उसकी, दिन भर रात भर चलता रहता है पानी। जिनके खेत होंगे उन्हें पता ही होगा। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में।